मनिंदर सिरसा साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी की तरफ से समझना चाहेंगे कि आप लोगों को किन बिंदुओं पर चोट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिख समुदाय का उन्होंने अपमान किया है, इसीलिए पहले हरदीप पुरी साहब बोले, फिर मनिंदर सिरसा साहब सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो यह कहा है कि पहन पाएंगे या नहीं, चाहे वो टर्बन हो चाहे वो कड़ा हो, ये उन्होंने कहा है। ऐसा हो रहा है क्या, उन्होंने ऐसा कहा है? कौन कौन से बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, हमारी अंजना जी यही आपत्ति सबसे बड़ी है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ ऐसी नफरत भरी बात बोले हैं कि भारत के अंदर किस चीज़ लड़ाई चल रही है। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, देश में हर जगह जाता हूँ, कल भी जम्मू में होगा, देश के हर कोने में घूमता हूँ, मैंने उस लड़ाई को नहीं देखा जहाँ कहाँ वो लड़ाई चल रही है, जहाँ पे सिखों की पगड़ी उतर रही और कहा जा रहा हो कि तुम पगड़ी नहीं पहन सकते, जहाँ उनके ककार उतर रहे और कहा तुम नहीं पहन सकते, और उनको गुरुद्वारे में जाने से इनकार किया जा रहा हो। आप इस तरह की एक नफरत भरी किसी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसी नैरेटिव पेश करते हैं कि हमारी पगड़ी को उतार सकता है, हमारी पगड़ी को कोई हाथ डाल सकता है, हमें गुरुद्वारे को रोक सकता है, हमारे गुरुद्वारे को बंद करा सकता है। अंजना जी, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए। देश के अंदर एक ही बार गुरुद्वारे बंद हुए थे, गुरुद्वारा कारपिंग साहब को इंदिरा गांधी ने ताले लगवाए थे, और तब अकाली दल ने आकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था, तकरीबन 15,000 सिख तिहाड़ जेल में बंद हुए थे, और फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट बना जिसके मुख्य सेवादार अध्यक्ष के रूप में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। मेरा कहना है कि जिस पार्टी ने हमेशा से ही सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार किया हो, गले में टायर डालकर आग लगाएं, फिर उसको जस्टिफाई करें देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर, और ये कहें कि बड़ा पेड़ गिरता है, ये जस्टिफिकेशन दें कि हाँ तुम्हारा मरना जायज है, और फिर हमारे कातिलों को संरक्षण दें, उनको मंत्री बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं। और अंजना जी, आज भी जब सज्जन कुमार जेल में है 7 साल से, जगदीश टाइटल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिन लोगों ने हमारी पगड़ियों पे हाथ डाला, हमारे परिवारों पे हाथ डाला, जिंदा हमें जलाया, उनको तो आपने अपने घर में बिठा रखा है, और फिर अमेरिका में जाके ये संदेश देते हैं कि भारत के अंदर लोग सिखों की पगड़ियां उतारी जा रही हैं। तो बताइए, ये नफरत भरी जो माहौल हमारे खिलाफ सिर्जा जा रहा है, आपको नहीं लगता जब इतना बड़ा लीडर ऐसी को बात करता है तो आम जनता में ये संदेश जाता है कि हाँ हम इनकी पगड़ी को उतार सकते हैं, भारत में तो इनकी पगड़ी उतारी जा रही है, हम तो उतार सकते हैं। तो हमारा ये है कि आप ये गलत कहा है, ना जकरिया खान, ना औरंगजेब, ना अब्दाली, ना कांग्रेस और ना गोरे हमारी पगड़ी को ना उतार सकेंगे ना उतार सकेंगे। कृपया ये अपनी गंदी राजनीति माफ करना नहीं करनी चाहिए आपको हमारे नाम के ऊपर, हमारे धर्म के नाम के ऊपर। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ राहुल गांधी जी से। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं, और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे, ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मैं आपको बताती हूँ, करीब 3.25 मिनट वो बोले क्योंकि उन पर इंटरवेंशन नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ मुझ पर भी नहीं होगा, उसके बाद आप जितने सवाल मुझसे पूछना चाहिए जरूर पूछिएगा। आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक अपनी भाषा अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं, इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। आगे सुनिए, महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग मुसलमान जो दिखने में मुसलमान है, उसकी दाढ़ी है टोपी पहने हुए, उसको पीटा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, उसको लतियाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, और आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, वो तो भला हो कि एक्ट फिर से लगते हैं और आरोपी गिरफ्तार होते हैं। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है,
ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे। यह आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी है किसान। यह आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं। यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए। यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए उस पर लाठियां बरस रही हैं। यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती हैं, कीले गड़वा दी जाती हैं, चट्टाने खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए। और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी, कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी। और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर, उनकी तरफ जहर उगल कर, आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दी है आपकी नफरत की राजनीति, ये कब समझिएगा आप लोग? लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक है उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी मैं हतप्रभ हूं, मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए, धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई, एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है, एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं, बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए मंजिंदर जी, को कहा जाता है बीजेपी के मंजिंदर जी, जवाब दीजिए, डर का माहौल है? आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? मंजिंदर जी जवाब दीजिए, आना पड़ेगा ना मंजिंदर जी, वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग, देखिए नफरत, सॉरी देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको 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 भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियाँ निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया मुझे गाली निकालने से, उसको टीवी पे मौका मिलता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज की सब बातें याद आती हैं। उनको ये याद आता है कि कैसे जो तिवाड़ी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है, और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह वहां पर राष्ट्रपति थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं जो संजय गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी को कहा गया था ये सिख की बेटी है, ये सांप की बेटी है, गदार की बेटी है, ये हमें अल्फाज दिए गए थे। और अंजना जी मैं आपको याद दिलाऊं, आप तो पत्रकार हैं, आपको सारी बातें ध्यान में याद भी होंगी। गलत नाम मत लीजिए, मंजिंदर जी आपने गलती से गलत नाम ले लिया है, इसको करेक्शन कर दीजिए। संजय जी की पत्नी मेनका, माफ कर दी, मैं गलती करता हूँ, हाँ मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलती से मानता हूँ और मेरे लिए बहुत बहुत गलत है किसी का ऐसा गलत नाम लेना, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा सोनिया गांधी जी कहना मेरा पर्पस नहीं था, मैं मेनका गांधी जी कहना चाहता था, साफ माफी चाहता हूँ। आपके कांग्रेस की प्रवक्ता को भी कहता हूँ गलत है, गलती से निकला। दूसरी बात देखिए अखबारों के अंदर
इश्तेहार दिए गए 1980 के दशक में, और टैक्सी ड्राइवर एक सिख दिखाया गया और उसको ये कहा गया, नीचे लिखा गया कि देखिए इसको देख के आपको डर लगता है। हमें इस तरह से विलिफाई किया जा रहा था, हमें इस तरह से सिखों को आतंकी बताया जा रहा था, और इस तरह से हमारी पगड़ियों को तारा जाता था, और यहां तक कि आर्मी की वर्दी में बावर्दी जो सिख थे उनकी पगड़ियों उतारी गई, उनको जिंदा जिंदा जलाया गया। अंजना जी, हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था, जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है, धरती हिलती है, जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमें हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा, मैं पार्टी के रूप पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाए तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते, और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टैटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने, का इनके खिलाफ सफिशियंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं, और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के अंदर है, और उनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे कातिलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है, तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति? क्या नहीं कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता, जो सपना देखता हम उसका इस सपना बयान के साथ सुप्रिया जी, सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी, देखिए हर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव है, हम आप जानते हैं धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी बयान बहुत संवेदनशील होता है इस देश में, और जो भी देता है उसके बाद से उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता था वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, मतलब हर धर्म कह देते, सिखों का खास तौर पर जिक्र करना वाजिब नहीं है देखते हुए कांग्रेस के इतिहास को, 84 के दंगे को? सच है क्योंकि एक ये सच है, क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजोरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें किसको उर्रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है, आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है, हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। आप शब्दों की बात करेंगे, इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, आप इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5,000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। IIT में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए। आज IIT बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए, और आप कह रहे रोजगार दे दिया, किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है राहुल गांधी को ट्रोल करना, और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए, बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल दी, और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया, लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी वो मुसलमान थे, तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा आप? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनुराग जी जब आप जहर उगलते हैं, एक बात याद रखिएगा, एक मिनट अंजना जी, एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई, और हमें फक्र है कि हमने इस देश का पहला सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये फक्र से कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं। सिरसा साहब, अब रुक जाइए, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी,
आरक्षण के मुद्दे पर जो राहुल गांधी ने वहां पर कहा है, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत है? मैं कोट कर देती हूं, हम भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब भारत फेयर प्लेस बन जाएगा, भारत अभी फेयर प्लेस नहीं है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, आप बात से सहमत है राहुल जी के कि आरक्षण खत्म करने की तरफ सोचना देखिए चाहिए? पूरा देश जानता है कि आरक्षण विरोधी कौन है, भारतीय जनता पार्टी। ये तो आरक्षण के विरोध में ही है, लेटर भर्ती करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखा ही आपने 45 लेटर भर्तियां निकाल दी थी, और अपनी मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भरना चाहते थे, तो आरक्षण का कौन एसटी एससी और ओबीसी का हक मानना चाह रहा था? 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन हक मानना चाह रहा था? वो तो लड़ाई लड़ी जा रही है, तब न्याय मिलने की कगार पे। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, ये सुन लीजिए महेंद्र जी। जो आप कहते हैं ना बीजेपी का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं होता है, कम से कम इतना मान लीजिए। और आपके अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आपके नेताजी, वो राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे, जरा साथ में भी बता देते कि पार्लियामेंट का नया भवन बना था क्या, उद्घाटन पे बुलाया था उनको, या राम मंदिर प्रभु का बन रहा था तो उसके उद्घाटन पे उनको बुलाया था क्या, ये भी बता देते। और जात की बात तो आप ही करना, आपने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पिछड़े जात से आते हैं, तो सवाल उठता है कि सारी बातें आप करोगे दूसरा करेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई किसने बोला बांटोगे तो कटोगे, किसने बोला था? शमशान घाट कब्रिस्तान किसने बोला? मंगलसूत्र मुजरा किसने बोला? किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसने बोला, बताइए आप। और आपकी एक सांसद है कंगना रनावत, क्या कहती है? वहां लाशें लटक रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था, वक्फ बोर्ड को किसने खत्म करने की बात की, उसमें सुधार करने की बात की? ये नफरत की राजनीति तो प्रभु आप कर रहे हो लगातार, और नफरत से ही आप जी रहे हो। मैं कहता हूं जो नफरत करते हैं उनको क्या मिलेगा उससे, अरे मोहब्बत ही कर लो तो आपकी नफरत का भी समाधान हो जाएगा, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, हमें हमेशा मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपने एक दो मंत्री और आ गए, एक गिरिराज सिंह थे, अब दूसरे शिवराज सिंह आ गए, ये दोनों जो है ये ऐसी बातें करते जैसे लगता है विपक्ष में है, हर बात को देशद्रोह बता देते। तो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है तो आपको अगर कोई देशद्रोह की लगती तो FIR क्यों नहीं करवाते आप? कैबिनेट मंत्री है या कार्यकर्ता पहले ये तय कर लीजिए। हमें को तो कैबिनेट मंत्री देश के कैबिनेट मंत्री है, और देश के कैबिनेट मंत्री हल्की बातें करेंगे, सुनिए देश के कैबिनेट मंत्री अगर हल्की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बार बार कहते हैं संविधान विरोधी, लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं, आरक्षण ये देना नहीं चाहते, इसलिए हमने बोला है कि हम पीडीए के फॉर्मूले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है समाज में समाज न्याय दिलाना। बीजेपी आरक्षण विरोधी जिनके साथ आवाज नहीं चल रही, जिनके साथ आपका गठबंधन है अंजना जी, जिनके पूर्वजों ने ओबीसी आरक्षण को रोका, राहुल गांधी के पूर्वज ने रोका है, जिनके पूर्वजों ने महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा अटका के रखा, आज वो ज्ञान दे रहे हैं, वही अंदर की बात उनके मुंह से बाहर में जाके निकल रहा कि जब एक बार देश में वातावरण अच्छा हो जाएगा तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं, और कांग्रेस के अंदर की जो योजना है वो कहीं ना कहीं विदेश की धरती पर जाकर के अंजना जी निकल जाती है, लेकिन जब तक इस देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहेगा, NDA की सरकार रहेगी, आरक्षण को मेरे नेता ने भी कहा आदरणीय चिराग पासवान जी ने कि समाप्त करने की बात तो दूर छोड़िए ना, सोच भी नहीं सकते हैं। और सिखों के ऊपर में कैसे सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मुझे तो आश्चर्य होता है। 84 में जब 3,000 सिखों का वहां पे हत्या हुई थी और पहचान तब छुपाना पड़ रहा था, जब 5 का जो सिखों का प्रेम है 5K उसको भी लोग छुपा रहे थे अपने जान को बचाने के लिए। इसके तो जनक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, आज उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सिखों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और वहां पर जाके कह रहे हैं विदेश की धरती पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सबकी हो रही लड़ाई, क्या विचार है भाई? आप किस हद तक गिरेंगे राहुल जी? मानता हूं मैं सरकार में आना है, आप विपक्ष में है मेरी आलोचना करिए, लेकिन तरीका स्वस्थ होना चाहिए। आप जाते हैं अंजना जी, आपको मालूम है हर 4 महीने पर इनको अपना सॉफ्टवेयर आदरणीय राहुल गांधी जी को अपडेट कराने के लिए विदेश की धरती पर जाना पड़ता है, और इनके जो अंकल है ना जिन्होंने कहा कि ही नो पप्पू, मैं नहीं कहा है, मैंने नहीं, ये सैम पित्रोदा ने कहा है, कुछ परेशानी है क्या आपको? और
और उसके बीच में मैंने नहीं बोला सुप्रिया जी, आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप मेरे नेता के लिए सॉफ्टवेयर बात बोल दिया, मैं चुप रहूंगी? आप अपना मानसिक इलाज कराइए, आप मानसिक रोगी लग रहे हैं मुझे, इलाज कराइए आप मानसिक। बेवकूफी की बातें करते हैं यहाँ पर आकर, कोई तथ्य नहीं है, तथ्य बोलेंगे नहीं, कोई साक्ष्य नहीं बोलेंगे, ये आपके शब्द है। आप नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे इस देश के? वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं, आप उनके नेता पर ये क्या शब्द, ये क्या शब्द, ऐसे अनादर वाली टिप्पणी मत कीजिए। आपके नेता पर यदि कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। मैंने नहीं कहा है मीरा जी, ये तो टीवी पर आपके स्क्रीन पर मैंने देखा है। दूंगी बदतमीजी करिएगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगी। अरे ये अंकल चैनल ने कहा, सुप्रिया जी आप समझती क्यों नहीं है? मैंने कहा है वाले संस्कार अंदर घुस गए अभी भी, जो थोड़ा बहुत बच्चे। अरे भाई आप शांत रहिए, अरे मैंने कहा क्या, अंकल सैम ने कहा कि ही इज नो पप्पू, आप रिकॉर्ड पर चला के दिखला दीजिए, पीसीआर को बोलिए अंजना जी, ये मैंने कहा है क्या? अरे हम लोग से ज्यादा आप ही लोग अब आके चैनल चलाइए, पीसीआर यूसीआर सब सीख गए धीरेंद्र कुमार। अंजना जी मैंने तो आपके चैनल पे देखा है, आपका चैनल पे आया है।